ओम शांति। आज 27 सितंबर 2021 की साकार मुरली है। आज बाबा ने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनने की विधि बताते हुए कहा, मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनना है। आज मुरली में प्रश्न है, कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? तो बाबा ने उत्तर दिया, अगर किसी पुरुषार्थी को यह ख्याल आया कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलप कर लेंगे, परंतु बाबा समझाते हैं, बच्चे मौत का समय निश्चित थोड़े ही है, कल कल करते मर जाएंगे तो कमाई क्या होगी, इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो, समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। आज मुरली में गीत है, ओम नमः शिवाय, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार साकार बिगर कोई कर्म कर नहीं सकते, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, योग बल से ही सतो प्रधान बनना है और विश्व का मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है कि कल्प कल्प बाप आकर राजयोग सिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे, पावन थे, सो अब बदल 84 जन्म बाद पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब था। यह 5000 वर्ष की बात है। तिथि तारीख सहित बाबा सारा हिसाब किताब समझाते हैं। इनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि वाजाड जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उनके आदि मध्य अंत का राज भी बाप ही बैठ समझाते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्रायः लोप हो गया है, सिर्फ चित्र जरूर है। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, मल शास्त्रों में भूल कर दी है, जो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को रास्ता बताते हैं, उनको कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड। सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला एक ही बाप है। भारत जब जीवन मुक्त है तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में है, इसलिए उनको कहा जाता है मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। रचयिता एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी एक ही है, जो रिपीट होती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग है पतित, सतयुग है पावन। सतयुग होगा तो पहले जरूर कलयुग का विनाश होगा, विनाश के पहले स्थापना होगी, सतयुग में स्थापना नहीं होगी। भगवान आएगा तब जब पतित को पावन बनना है। अब बाप सहज युक्ति बताते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़, देही अभिमानी बन, बाप को याद करो। बाप है भक्तों को फल देने वाला, भक्तों को ज्ञान देते हैं पावन बनाने के लिए। सबको पावन बनाने वाला है योग। ज्ञान सागर मुख से आकर ज्ञान सुनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब आत्माएं पतित बनी हुई हैं, इसलिए बाप को बुलाते हैं, क्योंकि बाप बिगड़ तो कोई पावन बना न सके। अगर पतित पावनी गंगा है तो फिर पतित पावन सीता राम कहकर क्यों बुलाते हो? बुद्धि कहती है कि परमपिता परमात्मा जरूर फिर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश के लिए आएंगे। कल्प वृक्ष की आयु भी होती है, जो चीज जड़ जड़ी भूत हो जाती है उनको ही तमो प्रधान कहते हैं, न्यू वर्ल्ड नहीं कहेंगे, यह है आयरन एज्ड वर्ल्ड। यह सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं, औरों को समझाने के लिए घर घर संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना है कि परमात्मा आया है, युक्ति से समझाना है। बोलो दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक।
दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद किया जाता है। सुख धाम में कोई परमात्मा को याद नहीं करता। सतयुग लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख शांति पवित्रता सब कुछ था। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारे क्यों? वहाँ सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए दुनिया नहीं रची, यह बना बनाया खेल है। जिनका पार्ट पिछाड़ी में है, दो चार जन्म लेते हैं, बाकी समय शांति में रहते हैं। बाकी खेल से कोई निकल जाए, यह हो नहीं सकता। एक दो जन्म लिया, बाकी समय जैसे मोक्ष में है। आत्मा पार्ट धारी है, कोई का ऊंचा पार्ट है, कोई का कम। गाया हुआ है, ईश्वर का अंत कोई पा न सके। ईश्वर ही आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप समझाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ, यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। मैं इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई भी पार्ट चेंज नहीं हो सकता। यह बना बनाया खेल है। यह किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज भट्टी में पड़े। भागवत आदि में भी 7 रोज रखते हैं। कोई 7 दिन में अच्छी रीति समझ लेते हैं। कोई तो कह देते हैं कि हमारी बुद्धि में कुछ नहीं बैठा। उच्च पद नहीं पाना होगा तो बुद्धि में कैसे बैठेगा? अच्छा, फिर भी कल्याण तो हुआ ना। प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेने में मेहनत है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। फिर से बाबा ने याद दिलाया कि याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। फिर बाबा कह रहे हैं, अब करो वा ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन है। प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, अब वह मिला है। कहते हैं, मुझे याद करो तो कट उतर जाएंगी। बादशाही ऐसे ही थोड़े ही मिलेंगी। याद में ही थोड़ी मेहनत है। बहुत याद करने वाले ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विक्रमा जीत बनना है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग के अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इस समय गीता ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान नवाज, भूले तो सबसे होती रहती है। मैं आकर सबको अभूल बनाता हूँ। भारत के जो भी शास्त्र हैं, यह सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं, मैंने जो कुछ कहा था वह किसी को भी पता नहीं है। जिन्होंने मेरे द्वारा सुना उन्होंने 21 जन्मों की प्रालब्ध पाई। फिर ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। तुम ही चक्र लगाई फिर यह ज्ञान सुन रहे हो। तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य से देवता बनने का। यह है देवी झाड़ का सैपलिंग। वे लोग तो उन झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं। तुम दिखाते भी हो कि उन्हों का क्या प्लान है, तुम्हारा क्या प्लान है। वह फैमिली प्लानिंग करते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं। बाप तो बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन हो जाएंगी। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और अनेक फैमिलियां थी ही नहीं। इस समय भारत में देखो कितनी फैमिलीज हैं। गुजराती फैमिली, सिख फैमिली, वास्तव में भारत की एक ही फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिली होंगी तो जरूर खिटपिट होंगी। फिर सिविल वॉर होती है, फैमिली में भी सिविल वॉर हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की आपस में फैमिली है तो उन्होंने भी दो भाई आपस में नहीं मिलते। फ्रिक्शन हो जाती है, अर्थात आपस में मतभेद हो जाता है, पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझते हैं कि हम अपने धर्म की फैमिली को जास्ती सुख देते हैं। रग जाती है ना, माथा मारते रहते हैं।
जब अंत का समय आता है तब आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है, ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी तो दो बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। समझने की बात है ना, तुमको समझाना है कि यह वही महाभारत लड़ाई है। बड़े बड़े लोगों को भी कहते हैं अगर लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएंगी। तुम जानते हो आग तो लगनी ही है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। राजयुग है ही सतयुग का। जो देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है वह फिर स्थापन करते हैं। अब कलयुग है, इनके बाद सतयुग चाहिए। अब कलयुग विनाश के लिए यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। यह सब अच्छी रीति धारण कर समझाना है, क्योंकि मनुष्य है आसुरी संप्रदाय, इसलिए खबरदारी रखनी है। कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पड़े होंगे वह पड़ेंगे जरूर। यह बना बनाया ड्रामा है, हम बांधे हुए हैं। याद की यात्रा कभी भूल नहीं जानी चाहिए। गीत है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इस गीत का अर्थ कोई समझ न सके, रात पूरी हो दिन आने वाला है। आधा कल्प पूरा हुआ अब सुख शुरू होगा। बाप ने मन मनाभव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। कृष्ण को कभी सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, इसलिए गीता में वह ताकत नहीं रही है। अब हम सभी मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेगा उनको वर्षा मिलेगा। याद की यात्रा बिगर कल्याण हो न सके। इस समय सब विपरीत बुद्धि है, कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तुमको समझाना है कि वह बेहद का बाप है। बेहद के बाप से ही भारतवासियों को बेहद का वर्षा मिला है। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अब तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कि ज्ञान तो तुम सुनते ही रहते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास बहुत नए नए आते रहेंगे। अब ही अगर बड़े बड़े लोग आ जाए फिर तो देरी ना लगे, जट आवाज निकल जाए, हंगामा हो जाए, इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। यह है ही गुप्त ज्ञान, किसी को पता भी नहीं पड़ता है कि यह क्या कर रहे हैं। भक्ति में है दुख, ज्ञान में है सुख। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसी है यह तो तुम ही जानो, और कोई जान न सके। भगवान वाच, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो मुझे याद करो, तो पाप विनाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तो साथ में ले जाएंगे। मुक्ति तो सबको मिलनी है, सब रावण राज्य से मुक्त हो जाएंगे। तुम कहते हो कि शिव शक्तिया ब्रह्मा कुमार कुमारिया ही श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परमपिता परमात्मा के श्रीमत पर कल्प पहले मुआफिक 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य पॉइंट्स जब बुद्धि में धारण होंगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। कोई समझते हैं अभी तो टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है, कल मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो अंत में गैलप कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है कि कितना समय बाप को याद करता हूँ और कितना समय बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना, तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्ति बताते हैं। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वह तो प्रिंस था, उसने प्रालब्ध भोगी, उनकी महिमा की दरकार नहीं है। देवताओं की महिमा क्या करेंगे। हाँ, बर्थडे तो सब मनाते हैं, यह कॉमन बात है। बाकी उन्होंने क्या किया,
सीढ़ी तो उतरते ही आते हैं, अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते हैं, हर एक का पाठ अपना अपना है। यह है बेहद की बात, मुख्य टाल टालियां गिनी जाती हैं, बाकी पत्ते तो अनेक हैं, उनको कहाँ तक तुम गिनती करते रहेंगे। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप कहते हैं, सभी को कहो पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़े ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा, यह यज्ञ रचा है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, उसमें पहला है सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन, सभी को सेल्वेश करने की सेवा करनी है, सबका कल्याण करना है, सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा, प्यारे ते प्यारी वस्तु शिव बाबा को प्यार से याद करना है, बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना है, विघ्नों से घबराना नहीं है। आज बाबा ने वरदान दिया, मैं पन के बोझ को समाप्त कर, प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। स्पष्टीकरण है, जब किसी भी प्रकार का मैं पन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है, लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो, फिर यह क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे। आप सिर्फ निमित समझ कर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़ कर बैठ जाओ, दिल शिकस्त नहीं बनो तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझ कर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।